राजरत्न अंबेडकर ने आज एक बार फिर से हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से भेंट की और वे अपने साथ एक बुद्ध प्रतिमा लेकर गए थे और उन्होंने पीड़िता के परिवार को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। बताया जा रहा है कि पीड़िता का परिवार अब हिंदू धर्म त्याग कर बुद्ध धर्म को ग्रहण करने वाला है। मैं सबको कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सिर्फ कचरा फेंकने से, कचरा उठाकर बंद करने से नहीं होगा। जिस मानसिकता से ये सारा निर्माण होता है उस मानसिकता को बंद करना होगा और इस जो हिंदू धर्म हमको शुद्र बना के रखता है उस हिंदू धर्म को फेंकना होगा, उस मानसिकता को फेंकना होगा जो इस पूरे देश के लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में बांटता है। ऐसे सिस्टम को नकारना होगा जो बाबा साहब ने नकारा और इसलिए बाबा साहब ने हमको ये मार्ग दिया, उस मार्ग पे हम इस परिवार को लेकर चलना चाहते हैं। आज सुबह से ही हम लोग हाथरस के उस पीड़ित परिवार के यहाँ पर हम लोग विजिट किए, उनसे मिले और काफ़ी सारी चर्चा चली। एक डेढ़ घंटे तक हम उनके यहाँ पर बैठे और उनकी सारी जो कानूनी कार्रवाई है, उनकी जो कार्रवाई है, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी हम लोग लड़ेंगे। ऐसे उनसे वकालत नामा ही साइन हो गया है और जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन वो रेंज की वजह से अपलोड नहीं हो पाया। वहाँ के पत्रकारों का कहना है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है और आप कैसे साबित कर पाओगे कि बलात्कार हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, योगी और मोदी को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो काल्पनिक देवी देवता है 33 करोड़ की संख्या बताते हो, ये खुद भी नीचे आ गए ना तो भी बलात्कार नहीं हुआ है ऐसा साबित नहीं कर सकते हो। और इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है और वो है पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ, कोई भी कोर्ट ये आपके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और ये इसको कचरे के डब्बे में डालेंगे, लेकिन पीड़िता का जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये ही वैलिड होगा और उसने मरते समय कहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसलिए कोई भी पूरा प्रशासन भी, नरेंद्र मोदी भी अगर आकर कटघरे में ये कहेगा कि बलात्कार नहीं हुआ है तब भी वो माना नहीं जाएगा। दूसरी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वहाँ पर भी मैंने कही, पत्रकारों को कही, कि एक महीने के अंदर DM से लेकर पुलिस ऑफिसर से लेकर जिन्होंने ये FIR लिखी है और जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई है, इनको एक महीने के अंदर हम जेल में डाल रहे हैं, जेल में डालेंगे। चारों बच्चों को तो वो आरोपियों को फांसी पर तो चढ़ा ही रहे हैं लेकिन इन सारे अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को, DM को, डॉक्टर्स को हम जेलों के अंदर डाले बिना शांत नहीं बैठने वाले। PR एजेंसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये साबित करने के लिए पूरे मीडिया को अब लगाया है कि ये बलात्कार नहीं है और जातीय तनाव में इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने रोहित वेमुला का किस्सा देखा, रोहित वेमुला का मामला देखा, रोहित वेमुला के मामले को दबाने के लिए JNU का मामला खड़ा कर दिया गया और JNU से कन्हैया कुमार को हाईलाइट किया गया। अब यही मामले को, पीड़िता के मामले को दबाने के लिए आपसी जातीय तनाव के मामले को बढ़ावा दिया जाएगा और इस मामले को ठंडा किया जाएगा, दबाया जाएगा और फिर कल तक जो न्याय मांग रहे थे वो चमार वर्सेस ठाकुर, वाल्मीकि वर्सेस ठाकुर, ऐसे जाति तनाव में इसको डाइवर्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं। इसके लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, इनको बड़े बड़े अमाउंट्स मिले हुए हैं और इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, किसको धक्का मारा, किसके ऊपर शाही फेंकी, किसका मुंह काला किया, किसको गिराया गया, हमारे लिए ये कोई मुद्दे मायने नहीं रखते। हमारे लिए सिर्फ एक और एक ही मुद्दा है और वो है इस परिवार को न्याय दिलाना, इस परिवार को न्याय दिलाना, चारों लड़कों को फांसी पर चढ़ाना और जितने भी प्रशासन में ये लोग अधिकारी हैं इनको जेल में भिजवाना, यही हमारा मुख्य हेतु है। किसको धक्का दिया और किसके ऊपर शाही फेंकी, हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं करता।
और इसलिए क्योंकि दो दिन से हमारे लोग, अरे नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, धक्का नहीं देना चाहिए था। मैं आपको पूछता हूँ, 144 अगर लागू है तो क्या राहुल गांधी अकेला नहीं चल सकता? क्या प्रियंका गांधी अकेली नहीं आ सकती? जेड प्लस सिक्योरिटी लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप अकेले घूमने में आपको डर लगता है? जब हम अकेले मुंबई से यहाँ पर आ सकते हैं तो आप दिल्ली से नहीं चल सकते, दिल्ली से नहीं आ सकते? इतना भीड़ लाने की ज़रूरत क्या है? और इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूँ कि ये लोग राजनीति के लिए, अपने अपने वोट बैंक्स बढ़ाने के लिए, अपने अपने सीटें बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे का इस्तेमाल करेंगे, उसके मौत का इस्तेमाल करेंगे, हमारे परिवारों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हमारे परिवारों का इस्तेमाल होने मत दीजिए। उनको न्याय न्याय चाहिए। उनको आप, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा हमें मोदी योगी के पैसे नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। और ये न्याय मिलाने के लिए हमको एक होकर लड़ना होगा। डाइवर्शन कई सारे आएंगे, कई सारे लोग डाइवर्ट करने के ऊपर आएंगे, हमें मारा गया, हमें धक्का दिया गया, हम पे शाही फेंकी गई, कई सारे डाइवर्शन आएंगे। हमको डाइवर्ट नहीं होना है और सिर्फ हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है। और मैं आप लोगों को ये जबान देता हूँ, हफ्ते भर में ये परिवार यूपी से बाहर होगा और हफ्ते भर में ये FIR, ये सारी केस यूपी से बाहर चलाई जाएगी। यूपी उत्तर प्रदेश से ये पूरा मामला बाहर होगा, ये मैं आप लोगों को जबान देता हूँ। हफ्ते भर में ये सारा चीज़ होगा। और आज हम लोग परिवार से मिले। देखिए, कई लोगों ने ये जाहिर किया है कि अभी वाल्मीकि समाज ये कूड़ा करकट नहीं उठाएगा और कई सारे राज्यों में ये कूड़ा कचरा ये DM ऑफिस में डालने का एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ कूड़ा कचरा DM ऑफिस में फेंकने से बदलाव नहीं होगा। जिस व्यवस्था ने, जिस धर्म ने इस समाज के ऊपर कूड़ा कचरा उठाने की नौबत लाई है, ऐसे धर्म को फेंकना होगा, ऐसे धर्म का त्याग करना होगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस जो कंक्लूजन बाबा साहब ने दिया है, वो कंक्लूजन आज मैं इस परिवार के हाथों देकर आया हूँ। बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध का फोटो, प्रतिमा मैंने इस परिवार को दी है। और सही में जो बदलाव मुझे दिखा उस परिवार, इतना दुख में है ये परिवार, लेकिन फिर भी बुद्ध के प्रतिमा को बिठाने के लिए उन्होंने, जो काल्पनिक देवी देवता उनके घर में थे, उन फोटो को हटाया और वहाँ पर बुद्धा की प्रतिमा वहाँ पर रखी। अब मैं उस परिवार को जल्दी ही 14 अक्टूबर को अब देखने मिलेगा कि ये परिवार बुद्ध की ओर जाएगा। और इस तरह से एक परिवर्तन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ वाल्मीकि परिवार नहीं, सभी जाति जो हिंदू धर्म में तुच्छ गिनी गई है, ऐसे धर्म को लात मारो और बाबा साहब ने जो निष्कर्ष दिया है उसकी ओर मुड़ो। जब तक इस निष्कर्ष की ओर नहीं मुड़ोगे, तब तक आप लोगों के साथ इसी तरह से कोई ना कोई गांव में व्यवहार होते रहेगा। वाल्मीकि समुदाय जो बाबा साहब के साथ 1932 में डट कर खड़ा था, खून से बाबा साहब के लिए उन्होंने टेलीग्राम भेजे, आज वही बाबा साहब का परिवार इस वाल्मीकि परिवार के साथ खड़ा है। और एक रिटर्न हम लोग दे रहे हैं कि उस समय आप बाबा साहब के साथ खड़े थे, आज बाबा साहब का परिवार आपके साथ खड़ा है। और इसलिए मैं आप लोगों से यही कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि डाइवर्शंस कई सारे हैं, हम लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है और अपना न्याय हक की लड़ाई हमको लड़नी है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद।